मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती लंबे समय से मध्य प्रदेश में शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन करती आ रही हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी के पूर्व मंत्री और जबलपुर से विधायक अजय विश्नोई ने भी शराब के विषय में अपनी ही सरकार को घेरा है। अजय विश्नोई ने मध्य प्रदेश में गाँव गाँव में बिक रही शराब पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अजय विश्नोई ने कहा कि आज पूरे मध्य प्रदेश में गाँव गाँव शराब की बिक्री हो रही है। ये अब सामाजिक बुराई के रूप में बढ़कर कहीं न कहीं अभिशाप बन गई है। विधायक ने इस मामले में सीएम शिवराज को पत्र लिखा है और उनसे शराब माफिया पर तत्काल एक्शन लेने की मांग की है। अजय विश्नोई ने अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का अनुसरण कर ही रहे हैं तो यूपी की तरह यहाँ भी गांव गांव शराब की बिक्री रोकी जानी चाहिए। अगर सरकार गांवों में शराब बिक्री पर रोक लगा देती है तो इसका फायदा आगामी चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। हर बूथ पर पार्टी को कम से कम 100 वोट अतिरिक्त मिल जाएंगे क्योंकि जनता भी अवैध शराब बिक्री से परेशान है। विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समय से शराब की दुकान खुलती है और समय से ही बंद होती है। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि दुकान के अलावा बाहर शराब बिकवा दे। कुछ इसी तरह का अगर मध्य प्रदेश में भी प्रयास किया जाए तो उससे गांव की जनता ना सिर्फ सहज महसूस करेगी बल्कि चुनाव में इसका सीधे सीधे लाभ भाजपा को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान से बाहर शराब उपलब्ध नहीं है। रात को 10 बजे दुकान बंद होती है तो रात को 10 बजे बंद होती है, कोई माई का लाल खुलवा नहीं सकता और शराब ले नहीं सकता। यही स्थिति की जरूरत है मध्य प्रदेश में। यदि हमने गांव से शराब की बिक्री को बंद करा दिया तो सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में मिलेगा। हर गांव के अंदर कम से कम हर बूथ में 100 वोट इसीलिए बढ़ जाएंगे कि आपने गांव से शराब बिक्री।